हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 गणित अभ्यास 6 के ए का तीसरे से 7वां क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 8वां है एक संख्या यक्स 46 है जहाँ यक्स बीजी अंक है। इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है एक संख्या यक्स 46 है। यक्स 46 है, यक्स बीजी अंक है। इसको अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। उलट देने पर तो मतलब 6, 4 और यक्स, तो घटाने पर कितनी प्राप्त होती है हमको? मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। 297। तो यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें से उधार लेंगे, बनेगा 16। तो 16 में से कितना घटाएंगे? 17 आ जाए, मतलब 7 आ जाए, तो संख्या होगी 9। तो 16 में से 9 गए, 9, 7, 16। तो यक्स के स्थान पे होगी 9। उसके बाद बची 3, तो इसमें से उधार जाएगा तो बनेगा 13। 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए, 9। उसके बाद यहाँ भी 9 भरा जाएगा, 9। तभी तो 9 में से जब उधार जाएगा इसमें तो बनेगा 8। 8 में से 6 गए, 2। तो यक्स का मान बराबर 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो 9वां क्वेश्चन है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक पूर्णांकों का योग होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक पूर्णांकों का योग होगा। तो लिखते हैं हम 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो 2 से 100 तक लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + बस ... 100 तक करेंगे। उसके बाद इसमें देखते हैं कॉमन की, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 + 2 = 4 + 3 = 6 + 4 = 8 + 5 = 10 + 6 = 12 ... अभी 50 × 2 = 150। तो सूत्र दिया है n + 1/2। तो n मतलब पदों की संख्या का योग कितना है? पहले 2 ऐसे लिखेंगे, 2। उसके बाद पद कितने हैं? 50। n बराबर 50, फिर n + 1, तो 50 + 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 50 × 50 में 1 जोड़ेंगे 51। तो 50 और 51 में गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 25,550। अब उसके बाद हम देखते हैं 5 से विभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों देखते हैं 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। तो पहले लिखेंगे 5 + अब 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 इसमें ऑलरेडी हो गया है। तो लिखेंगे 15, उसके बाद 25, फिर ... 95। तो इसमें कॉमन हम क्या कर सकते हैं? 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 + 3 = 15, 25 ... अब 19 × 95 19। अब इसमें देखते हैं, इसका होता है पदों का स्क्वायर। तो कितने पद हैं? इसका सूत्र होता है पदों का स्क्वायर। तो 1 से लेकर 19 तक कितने पद होंगे? 10। कैसे देखते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 11, 13, उसके बाद 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 हो गए। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बराबर पदों का योग बराबर 10। तो 5 गुणे अपने पद हैं 10, तो 10 का स्क्वायर होगा 10 दामा 100। 5 गुणे 100 बराबर 500 होगा। तो फिर उसके बाद आंसर लाने के लिए क्या करेंगे 25 50 जो आया है 25 मतलब 2550 प्लस 500 को जोड़ देंगे तो 0 5 5 5 10 2 1 3 3050। तो खा वाला विकल्प हमारा सही होगा। कौन सा खा वाला? तो खा वाला विकल्प सही होगा 3050। दोस्तों 6A गणित द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।